الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. घर से डर से टच हो जाए
आज सीखने का मौका है, मजलिस सजाने का मौका भी है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि वो हमारे दादा हैं, हमारे नाना हैं, किसी के चचा हैं, हम गुणगान कर रहे हैं, वो सोचता ही नहीं है। वो सिर्फ हमारे ही रहनुमा नहीं है, वो हमारे ही मौसम नहीं है, पूरे अहले सुन्नत और जमात।
किसी सिटी में ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे लोग मिले और ये बात हो, एक बार हिंदू शेख इस्लाम से कहती है तशरीफ ले आए हमारे लिए, सिर्फ एक बार जैसा वो इंतजाम चाहेंगे वैसा इंतजाम करें। अगर वो कहेंगे तो हेलीकॉप्टर से उनको लाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग होते जो उनके पास पहुंच गए और कहा कि हजरत हेलीकॉप्टर का इंतजाम उनको फौरन कर देंगे, अहमदाबाद से सीधे कड़पा, कड़पा ये आंध्र प्रदेश में टिका हुआ। तो हिंदू शेख इस्लाम ने कहा कैसी बात कर रहे हो, जो खर्च आ रहा है मुझे लाने ले जाने के लिए, अब मेरी वैसी सेहत नहीं कि मैं कुछ तबलीग करूँ, मैं सलाह करूँ, मैं तुम्हारे मसाइल को मैं क्यों सिर्फ जाके अपनी शक्ल दिखाने के लिए मैं वहां जाऊँ, तुम कह रहे हो ज्यारत करने के लिए बुलाए। वो जो खर्चा है हेलीकॉप्टर का हमारे देश में।
बहुत से बच्चों का चल रहा है, बहुत सी जगह शुरू होने वाला दूसरे स्टेट से। इन बुजुर्गों के बाद भी लोग कहते हैं दुआ कीजिए हम कामयाब हैं। स्टूडेंट्स को कितनी परवाह है, इम्तिहान पास हो गए इम्तिहान में कामयाबी हो गई। यकीन इम्तिहान जब जब होगा आप फिक्रमंद होंगे। इम्तिहान में बैठने वाला चैन में नहीं रहता, उसे चैन मिली नहीं सकती जब तक इम्तिहान खत्म ना हो। क्लास रूम से जब बाहर आओ तब चैन, और जब तक क्लास रूम में हो बेचैन। ये तुम्हारी फितरत है, ये नेचर है आपका। सबको इसका सामना करना पड़ता है कि जब जब तुम इम्तिहान गाह में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तुम्हें चैन नहीं। बाहर निकलोगे तब चैन, बाहर निकलने का मतलब तुम्हारा इम्तिहान खत्म। इसीलिए मौलवी आजम ने यह फरमाया, उनका शेर है, दिन को होशियार रहो रात को बेदार रहो। जिंदगी में दिन को होशियार रहो रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहां मिलती है तुरबत के सिवा। कब्र में मौत से ज्यादा कब्र में चैन मिलेगा, कब्र से पहले नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में चैन नहीं मिलता, वहां से निकल जाओ तब। तो कब्र में कब जाओगे जब तुम्हारी मौत आएगी, यानी मौत से पहले तक तो एग्जामिनेशन हॉल। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में, अल्लाह ने खलक मौत वल हयात, वो जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि वो इम्तिहान ले तुम्हारा। अय्युकुम अहसन व अमला, तुम्हें कौन अच्छा है। तो दोस्तों बहुत सी चीजें आप सीख चुके हैं, इस्लाम के आप पहचान रहे हैं, पहचान चुके हैं क्या क्या आपकी ड्यूटी है, आप जान चुके हैं कैसी कैसी बदहाली मुश्किलात का सामना आपके सामने है, वो उनको भी आप जानते हैं, उसका सबब क्या है वो भी जानते हैं। जिस दिन सहाबाए किराम जैसी सीरत मुसलमानों में पैदा हो जाएगी, चंद रहेंगे लाखों मुसलमान, लाखों करोड़ों में हो चंद को भी बनाना मुश्किल। वो तीन तलवार की जरूरत नहीं, कभी इस्लाम इजाजत नहीं देता जुल्म, जुल्म मिटाने की इजाजत इस्लाम देता। तुम्हें सिर्फ चांदी या रसूल का करना, तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं। ये विमान गिरा दिया उन्होंने, वो उन्होंने गिरा दिया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे।